please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. तो लगातार इस बड़े घटनाक्रम पर नजर बनी और ये तस्वीर भोपाल की, जहां पर ये शख्स सबसे कुछ देर पहले ही झरोखे से इशारा करके ये बताता हुआ 7 बजे से बंधक बनाकर रखा हुआ है इसने एक लड़की को भोपाल के मिसरोद इलाके के एक फ्लैट में, और पुलिस महकमा यहां मौजूद, लेकिन कुछ देर बाद ही मीडिया कर्मियों को वहां से हटा दिया गया और बताया गया कि ये उसकी शर्त है कि मीडिया कर्मी और पुलिस वाले यहां से हट जाएं, उसके बाद वो बातचीत के लिए भी तैयार है। दरअसल रोहित नाम का ये आरोपी है, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का रहने वाला है, मुंबई की एक मॉडल जो यहां अपने घर में भोपाल में थी, उनके घर में दाखिल होता है और फिर एक कमरे में उसे बंधक बना लेता है। उसके हाथ में बताया गया कि एक देसी कट्टा भी है और एक कैंची भी। लड़की और पुलिस वाले पर भी इसने हमला किया है। फिलहाल लड़की को इस आरोपी के चंगुल से निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन पुलिस ने आरोपी की शर्त के मुताबिक बाकी लोगों को इस 5वीं मंजिल से नीचे उतरवा दिया है, फ्लोर खाली करवा दिया है। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। मनोज, अब तक क्या समझा जाए, क्या आरोपी की ही शर्त मानकर आगे कदम बढ़ा रही है पुलिस, या उसकी कोई और ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसे चाहे तो वो सार्वजनिक ना कर रही हो लेकिन उस पर काम कर रही है? पुलिस दूसरी स्ट्रेटजी पर काम कर रही है, क्योंकि जिस तरह से दबाव जो बनाया जा रहा है लड़की की तरफ से, यहाँ पर बकायदा फायर ब्रिगेड आ चुकी है और इस बात का सीधा इंतजाम किया जा चुका है कि पीछे की तरफ से जिस कमरे में लड़का लड़की को बंधक बनाए हुए है वहाँ से सीधा, चाहे तो पुलिस के पास इंतजाम हो चुका है कि सीधा वहाँ पर पुलिस इस फायर ब्रिगेड के जरिए सीढ़ियों के जरिए सीधा उस कमरे तक पहुँच सकती है। हालांकि लड़के ने अभी 2 बार पानी मांगा, पानी मांगने के बाद लड़के ने बाहर बकायदा हाथ निकाल कर नीचे जो लोग खड़े हुए थे उन सबको एक अभिवादन तरह से भी किया, लेकिन पुलिस की दोनों स्ट्रेटजी पे काम हो रहा है। एक तरफ वहाँ पर पुलिस के लोग बैठे हुए हैं, साथ में लड़की की जो माँ है उनको साथ में रखा हुआ है, लड़की की माँ को, और एक कोशिश हो रही है कि किसी तरह लड़का बातचीत के जरिए बाहर आने को तैयार हो जाए और लड़की को अपने जो बंधक बनाया है उसे छोड़ दे। और दूसरी पुलिस की कोशिश है कि अगर लड़का नहीं मानता है, क्योंकि सुबह 7 बजे से ये सारा नौटंकी सारा ड्रामा लड़की की तरफ से किया जा रहा है, तो अगर लड़का नहीं मानता है ऐसी स्थिति में पुलिस दूसरे तरीके से कमरे से लड़की को बंधक छुड़ाने के लिए कोशिश करेगी। तो ये लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हेलो दोस्तों, मैं रोहित रीगल सिंह, अलीगढ़ यूपी उत्तर प्रदेश मुंबई में एक्टिंग करता हूँ, और मेरी भोपाल से, और दोनों एक अच्छे दोस्त थे और एक अच्छे प्यार करने वाले नाम की निशानी, और उनके घर वालों को पता चली तो ये परिणाम देख लो दोस्तों आप, ये इस प्रकार है, यहाँ फूट कितना बह गया है। मैडम, ये पूरा मामला क्या है, कैसे वो घर में आ गया, कहाँ का लड़का है और किस तरीके से हरकत कर रहा है? देखिए, आज कैसे घर में आए वो हमें नहीं पता। जब सवेरे 7 बजे हमारी बेटी चिल्लाई कि हमारे कमरे में रोहित आ गए हैं, तब हमें पता चला। हमने उसके हाथ पे जोड़ बहुत विनती की, भोलेनाथ के, हनुमान जी की, काल कमल की, सबके कष्ट में रखवाएगी, तो खोल दे, हम कोई कुछ नहीं बोलेगा, हम सबको भगा देंगे अपने घर से, कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन वो नहीं माना। बस फिर तो आप देख ही रहे हैं। कैसे यानी पुरानी पहचान थी कि क्या, किस तरीके? पुरानी पहचान ये थी कि फरवरी में भी केस हो चुका है, वो हमारे घर पे गन लेके आए थे। मुलाकात कहाँ पे हुई लड़की? ये भी लड़की बेटी मुंबई में रहती थी, अभी करीब 2.5 साल से गई होगी, 2.5-3, अब तो थोड़ा टाइम हो गया, मतलब उस समय जब केस बना था तब करीब 2.5 साल हुए थे उसको, फरवरी में। सर, यहाँ पर ये भोपाल का एक फ्लैट है, एक फ्लैट में पीछे एक कमरे में एक सिर्फ युवक ने एक लड़की को लेकर रखा है। हमारे साथ जी एस राजपूत, देखिए आप इनके हाथ में ये जख्म लगा है, ये जख्म लड़के ने मारा है जब इन्होंने कमरे में अंदर, ये आपको कैसे जख्माया, कैसे जोड़ा है? अंदर प्रवेश करने के समय, अंदर प्रवेश करने के दौरान उसका कट्टा, उसने कट्टा अड़ा दिया मेरे ऊपर, गोली मार दूंगा, तो मैंने कट्टा फुर्ती से पकड़ा हाथ से, हाथ से तो, और मैंने खींचना चाहा तो उसी दौरान उसने कैसी मार दी। तो क्या मतलब लड़के का नाम क्या है, क्या जानते हो आप? रोहित कुमार सिंह नाम है। तो क्या माजरा क्या है पूरा ये? वो लड़की से एक तरफा मोहब्बत करता है,
तो उसने क्या आप लोगों से क्या कह रहा है, पुलिस से क्या कह रहा है? पुलिस ये कह रहा था कि ये मुझे स्टम्प पेपर दे दीजिए, हम दोनों लिखा पढ़ी करते हैं और मीडिया भी को बुला लीजिए, सारी चीज़ें थी उसको, हम लोग उसके बाद में हमें आज़ाद होना चाहते हैं यहाँ से। तो लड़की को बंधक बनाया हुआ, लड़की को बंधक बना रखा है उसने, उसका मुँह पकड़ के उसका दबाए हुए लड़की को क्या कोई चोट पहुँचाई है? चोट हाँ, चोट देखिए उसको, चोट मार उसको, उसको मार रहा था, चोट लगी थी उसकी, लड़की को देखा तभी तो हम लोग अंदर प्रवेश कोशिश कर रहे थे, वो चार्जर मांग रहा था, तो चार्जर नहीं देंगे हिंदी में। आज पूछिए चाहता क्या है वो, चाहता क्या है वो? वो तो कुछ नहीं, शादी करना चाहता था लड़की से, लड़की से शादी करना चाहता है, सिर्फ रहा युवक है। ये मिसरौत की डिवाइन सिटी नाम की कॉलोनी है जिसका ये एक फ्लैट है। इस अपार्टमेंट में, पांच मंजिला अपार्टमेंट के इस फ्लैट में एक लड़का एक लड़की को बंधक बनाकर बैठा है और जिसकी वजह से ये सारा अफरा तफरी का माहौल आप इसमें इस अपार्टमेंट में देख रहे हैं। लड़का लड़की को बंधक बनाकर बैठा है, पुलिस इंतजार कर रही है कि वो बात करे, और लड़का फिलहाल अपनी शर्त रख रहा है कि जब मेरे पिता आ जाएंगे तब मैं बात करूंगा। लेकिन जो बात कहानी सामने आ रही है वो ये है कि लड़का लड़की को पहले से जानता है, रोहित उसका नाम है, और वो लड़की से एक तरफा कहें या वो शादी करना चाहता है, मोहब्बत करता है, ऐसा लड़के का दावा है। फिलहाल उसने लड़की को भी जख्मी दी है, इसके अलावा पुलिस वाले जो कि उस समय कोशिश कर रहे थे कि उसे बाहर करें तो उनको भी जख्मी दिए हैं। मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज 18 इंडिया। हेलो दोस्तों, मैं रोहित रीगल सिंह, अलीगढ़ यूपी उत्तर प्रदेश मुंबई में एक्टिंग करता हूँ, और मेरी भोपाल से, और दोनों एक अच्छे दोस्त थे और एक अच्छे प्यार करने वाले नाम की निशानी, और उनके घर वालों को पता चली तो ये परिणाम देख लो दोस्तों आप, ये इस प्रकार है, यहाँ खून कितना बह गया है, और ये भी जो लड़की वो जो है ये पुलिस ने किया है, जो कुछ भी किया है, यहाँ मिसरौत पुलिस चौकी है और उसका थाने का इंचार्ज है, ऐसा ही कुछ नाम है उसका, राजपूत है, और उसके कहने पर यहाँ पर पुलिस वालों ने लाठी डंडे छुरे चक्कू सब बरसाए हम दोनों लड़कों पे, दोनों बच्चों पे, हम पे, मेरे पे भी बरसाए, मेरी टांग फांग से ये ब्लड बह रहा है, टांग भी फट गई है मेरी, और लड़की की गर्दन फर्दन वगैरह ये इधर उधर पूरा फटा पड़ा है, और ये ब्लड रहा, ये आपको दिख रहा होगा। मोबाइल वीडियो के जरिए अपनी बात भी वो बाहर पहुंचाता रहा है, लेकिन सुबह 7 बजे से इस आरोपी ने भोपाल के मिसरौत इलाके में मौजूद एसपी ने बातचीत की है, और एसपी ने बातचीत करके जो चर्चा की है घर वालों से, तो घर वाले भी काफी नाराज नजर आ रहे हैं, और फौरी तौर पर अभी फिलहाल घर वालों ने आने से मना कर दिया है कि वो आरोपी से बात नहीं करना चाहते हैं। आरोपी जो लड़का है उसको लेकर घर वाले भी खासी नाराजगी दिखा चुके हैं, और अब ये स्थिति स्पष्ट हो रही है कि घर वाले भी अपने बेटे की इस तरह के करतूत से काफ़ी परेशान थे, और अब ये स्थिति पुलिस के लिए और मुश्किल है, क्योंकि नेगोशिएट करने के लिए उनके माता पिता की बातचीत करना काफ़ी ज़रूरी था ताकि वो अपने बेटे को समझाए कि इस तरह की हरकत वो ना करे, लेकिन अब जब घर वालों ने बातचीत करने से इनकार कर दिया है तो फिर से एक रास्ता पुलिस के लिए बंद हुआ है, और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, लड़की को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, लड़की के कपड़े अभी अंदर भिजवाए हैं, और बहुत सारा कॉटन यानी कि रुई जो है वो बुलवाई गई थी, क्योंकि ब्लड जिस तरह से लगातार बह रहा है उस लड़की का, तो उसको फर्स्ट एड की भी बहुत ज़रूरत है, और फर्स्ट एड भी पहुँचाने की कोशिश लड़की को की जा रही है। बाल्टी के माध्यम से थोड़ी थोड़ी देर में जो डिमांड्स लड़के के द्वारा की जा रही हैं, जो आरोपी है लड़की के साथ अंदर बंद है, उसने बहुत सारी डिमांड्स की थी, पहले उसने पानी मांगा था तो पानी भिजवाया गया, फिर भूख लगी है ये उसने एसपी से कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, तो दूध उसको भेजा गया है, सिगरेट मांगी उसने तो उसकी भी वादा किया गया है उसको कि वो भी उसको प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो अंदर से डिमांड्स पूरी करवा रहा है। थोड़ी थोड़ी देर में वो बाहर निकल के इशारा कर रहा है, पहले उसने मीडिया को इशारा किया, हालांकि पुलिस ये कह रही है कि वो चाहता नहीं है कि मीडिया यहाँ पर मौजूद हो, और मीडिया को वहाँ से हटा दिया गया घर के बाहर से, तो घर के बाहर जब मीडिया आई है तो बाहर से ग्रिल के जरिए मीडिया को इशारा कर रहा है, कभी विक्ट्री का इशारा कर रहा है, कभी 7 बजे का इशारा कर रहा है कि वो 7 बजे से अंदर है, तो जाहिर है एक जो इशारों के अंदर जो पॉइंट आउट किया जा रहा है कि बहुत वो खुशी से बता रहा है कि वो 7 बजे से अंदर है, और विक्ट्री का निशान दिखा रहा है कि वो किस तरह से उसने सबको बेवकूफ़ बना रखा है, किस तरह से पूरा मीडिया और पूरे पुलिसकर्मी उसके पीछे लगातार लगे हुए हैं। दूसरी बात, जब वो बाहर आया तो उसने इशारा किया टीवी का और 5 बजे का इशारा करता रहा समय का, मकरंद प्रेम प्रसंग का मामला तो ये लग ही रहा है।
अच्छा दूसरी चीज इसमें यह भी हो सकता है कि आजकल सोशल मीडिया के जरिए लोग अपने आप को वायरल करना चाहते हैं, अपने आप को फेमस करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा जरिया बन चुका है तुरंत फेमस होने का ये। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि विक्ट्री का साइन दिखा रहा है, खुशी उसकी दिखाई दे रही है, वो चाह रहा है कि मीडिया वहां पर रहे, तो एक ये भी मामला हो सकता है कि ये भी चाहता हो कि भाई मैं बहुत कम समय में बहुत जल्दी फेमस हो जाऊं। और ये बड़ी खबर लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल के मिसरौद इलाके में एक फ्लैट में आरोपी रोहित ने एक मॉडल लड़की को बंधक बनाकर रखा है। सुबह 7 बजे से पुलिस लगातार इसके ऑपरेशन चला रही है ताकि आरोपी के चंगुल से इस लड़की को बाहर निकाला जा सके। लेकिन इस बीच एक और अहम मसला, आरोपी ने दावा किया था कि जब तक उसके घर वाले यहाँ नहीं पहुंचेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, तब तक वो लड़की को आजाद नहीं करेंगे। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले इस आरोपी के परिजनों से बात की गई तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया है अपने बेटे से, और ऐसे में जो उसकी शर्तें थी फिलहाल पुलिस की ओर से वो पूरी की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस आरोपी के पास एक कट्टा भी है और कैंची भी, जिससे उसने हमला भी किया। मांग ही रहा है, साथ में सिगरेट की डिमांड भी कर रहा है। हालांकि उसे आश्वासन दिया जा रहा है पुलिस के जरिए कि उसको जो मांग रहा है उसे दे दिया जा रहा है। सिगरेट के लिए भी उसे यही बोला गया, क्योंकि पुलिस भी कहीं ना कहीं अभी मजबूर बनी हुई है, क्योंकि लड़की अंदर है और हर किसी को डर है कि ये लड़की को किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचाए। एक और बात कि इसके घर वालों से भी बात करने की, यानी कि लड़के के घर वालों से भी बात करने की पुलिस ने कोशिश की। लड़के के घर वाले नाराज जरूर थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को समझाने या अपने बेटे से बात करने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया है। इसलिए इस तरफ से पुलिस के रास्ते थोड़े बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बावजूद उसके पुलिस का कहना है कि मामले को जल्द सुलझा लिया जाएगा। लेकिन एक और बड़ी बात कि सुबह 7 बजे से लड़की बंधक बनी हुई है। विभा, मैं न्यूज 18 से रचित बात कर रहा हूँ, आप बोल पाएंगी कुछ? आप ठीक हैं? और ये तस्वीरें तो रचित ने, हमारे सहयोगी रचित ने बात करने की कोशिश, वीडियो मैसेज के जरिए भी अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है आरोपी। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक वीडियो मैसेज में वो उस कमरे के अंदर के हालात दिखाता हुआ कि किस तरह से लहूलुहान है वो लड़की जिसे इसने बंधक बनाकर रखा है। इसके पास एक देसी कट्टा और कैंची का होने का भी दावा किया जा रहा है, जिससे इसने पुलिस वाले पर भी हमला किया है। और दूसरी तस्वीर अब से कुछ देर पहले की, जब झरोखे से हाथ हिलाकर कुछ इशारा करता हुआ ये आरोपी रोहित दिखाई दिया। बातचीत करने की कोशिश लगातार बनी हुई है, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिग्नल्स की कुछ दिक्कत आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है इस वजह से। लेकिन जैसी बात होगी लड़की से वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। और ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा इस लड़के ने कर रखा है, और विक्ट्री का साइन ये मीडिया को दिखा रहा है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि मीडिया को वहां नहीं रुकना चाहिए, लेकिन इसको देखकर नहीं लगता, इसको देखकर यही लग रहा है कि ये चाहता है कि मीडिया वहां रहे। और साथ ही साथ जख्मी लड़की की ये फेसबुक के माध्यम से ये वीडियोस भी वायरल करने पे अभी तुला हुआ है, यानी कि पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा, सरफरा आशिक हम कह सकते हैं, सनक इसके सिर पे सवार है। और कहीं ना कहीं पुलिस के हाथ भी इसीलिए बंधे हुए हैं क्योंकि लड़की अंदर है। विभा, मैं न्यूज 18 से रचित बात कर रहा हूँ, आप बोल पाएंगी कुछ? आप ठीक हैं? जी ठीक हूँ। आप कोई दिक्कत वहाँ पे अभी पुलिस से कोई बातचीत? क्यों किया ये, क्यों किया आप लोगों ने ये, क्यों किया आप लोगों ने? मैं थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं। ये क्यों किया आप लोगों ने रोहित, आप लोगों ने ये क्यों किया? मैं न्यूज 18 से बात कर रहा हूँ, आप लोगों ने ये क्यों किया? रोहित, आप लोगों ने ये क्यों किया? रोहित 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 रचित बात कर रहा हूँ, आपने ये क्यों किया भाई? रोहित आपने क्यों किया भैया ये? काट दिया।
न्यूज 18 ने बातचीत करने की कोशिश की। लड़की ने कहा कि हाँ मैं ठीक हूँ, तबीयत खराब है। लड़का भी वहीं इर्द गिर्द मौजूद है और किसी से बात करके कह भी रहा है कि वो वीडियो कॉलिंग पे बात कर रही है। लेकिन जब रचित ने, यानी कि हमारे सहयोगी ने जब उससे पूछा कि ये क्यों कर रहे हैं आप, तो कोई जवाब नहीं आया और फोन कट कर दिया। मे बी सिग्नल की प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन बातचीत करने की कोशिश जारी है। उम्मीद करते हैं कि सुलझा लिया जाए इस मामले को। मकरंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मकरंद, अभी रचित ने भी जैसे बात करने की कोशिश की तो लड़की ने अंदर से कहा कि हाँ मैं ठीक हूँ, तबीयत खराब है। वो लड़का भी वहां मौजूद था, उससे भी रचित ने जानना चाहा कि भाई आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, कोई जवाब नहीं मिला। देखिए लड़की अभी फिलहाल सेफ है, लेकिन चूंकि चोटिल है इस वजह से थोड़ा सा डर है कि उसको सुरक्षित किस तरह से बाहर निकाला जाए। अभी ये बात तो है कि लड़की किस तरह से हैंडल कर रही है, क्योंकि जिस तरह से आरोपी अंदर घुसा है और आरोपी ने कट्टा अड़ा रखा है और कैंची से उसको प्रहार भी किया है, तो जाहिर है लड़की की भी सूझबूझ से ये पूरा मामला सुलझाया जा रहा है। पुलिस लगातार बातचीत कर रही है और लड़की भी, अगर जो स्थिति है लड़की की वो सेफ है, तो जाहिर है कि दोनों मिलकर ही आरोपी को टैकल कर सकते हैं। अभी फिलहाल ये ज़रूर है कि लड़की के बयान बहुत ज़रूरी हैं और न्यूज़ 18 भी लगातार लड़की से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है और लड़की ने बातचीत करके हमारे सहयोगी रचित से कहा भी कि वो ठीक है, अभी हलडुल रही है, बातचीत कर रही है और उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है। तो अब जो प्राथमिकता है वो बात करने की और दोनों को सुरक्षित बाहर निकालने की है, क्योंकि जब दोनों सुरक्षित बाहर आएंगे तभी दोनों के बयान और दोनों की बातचीत को मैच करके देखा जाएगा कि आखिर गलती किसकी है और ये पूरी जो घटनाक्रम हुआ ये किस वजह से हुआ, उसने खुद को बंधक क्यों बनाया। एसपी राहुल लोढ़ा यही कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर पुलिस की कोई गलती है या नहीं, क्योंकि एक वीडियो जरूर वायरल हुआ था कि लड़के ने जो कहा था कि मुझे मारा गया पुलिस के द्वारा और उसके बाद ही मैं अंदर आखिर कमरे में बंद हुआ हूँ, तो जाहिर है कि इन आरोपों में कितना दम है ये भी देखना होगा। क्योंकि अगर लड़की सेफली और खुल के अगर बातचीत कर रही है कि मैं ठीक हूँ और बहुत ज़्यादा पैनिक स्थिति में नहीं है, तो जाहिर है कि लड़की भी बहुत अच्छे से इस पूरे मामले को समझकर हैंडल कर रही है। ये बहुत जरूरी कि अब दोनों बाहर, और ये भी मुंबई में मॉडलिंग करता है और इसके जो चाचा है वो यूपी पुलिस में है, तो कहीं ये तो नहीं कि भाई इसको कि पुलिस का तो मुझे कोई डर है ही नहीं, क्योंकि मेरे खुद के चाचा पुलिस में है, एक ये भी बेखौफ होकर इसने इस हरकत को अंजाम दिया हो। देखिए यही बता रहा है कि इसके चाचा पुलिस में हैं और उनसे भी लगातार पुलिस संपर्क करने की कोशिश कर रही है मध्य प्रदेश पुलिस, और घर वालों ने तो अभी फिलहाल बातचीत करने से मना किया है कि हम बातचीत नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी पुलिस कोशिश कर रही है कि किस तरह से आरोपी की बातचीत उनसे करा दी जाए। तो अब ये बहुत ज़रूरी है कि इसको किस तरह से पुलिस हैंडल कर रही है, और लगातार जो आरोपी है वो वीडियो कॉलिंग के जरिए चूंकि मीडिया से मुखातिब हो रहा है, मीडिया से बातचीत कर रहा है, इस वजह से ये कहा जाना कि वो बहुत सनकी है या मानसिक रूप से विक्षिप्त है या बहुत ज़्यादा स्कीम कर रहा है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। पहले बाहर आकर पुलिस को जो बयान देगा, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगा है, तो अगर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए हैं तो जाहिर है एक निष्पक्ष एजेंसी जो कि पुलिस अधिकारी का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है, पहले आइए वो सुन लेते हैं। वो ये कह रहा है कि मैं गेट के बाहर खड़े अधिकारी को कैसे पहचानूं, यदि आप पुलिस अधीक्षक साहब हैं तो आप पूरे मीडिया को नीचे भिजवा दीजिए, पुलिस वालों को नीचे भिजवा दीजिए, तब मैं आपका बात करूंगा और आपकी सारी बात का विश्वास करूंगा और आपको जैसा आप बोलोगे वैसा सहयोग करने को तैयार हूं। तो जो लड़की अंदर है उसकी जान बचाने के लिए हम लोगों को उसका कहना मानना पड़ रहा है और उसको एक मौका दे रहे हैं कि हम उसको निकलते साथ उस पर कोई हमला नहीं करेंगे, इस बात का श्योर एश्योरेंस बड़े अधिकारियों ने दिया है, और इसलिए आपको यहाँ पर नीचे लेके मैं आया हूँ कि वो ऊपर से खड़ा होकर के खिड़की से यहाँ नीचे देखेगा कि पूरी मीडिया कर्मी, पूरी भोपाल की मीडिया नीचे है और पुलिस वाले भी नीचे हैं, तब वो एसपी साहब से डायलॉग शुरू करेगा और उसका अच्छा नतीजा निकलेगा। मकरंद, अब ये कहा जा रहा है कि मीडिया भी नीचे रहे, बाकी सारे लोग नीचे रहें और उसको विश्वास दिलाया जाए जो उससे मिलने गए हैं, और उसके बाद ही वो बात करेगा, सारी बातों का जवाब देगा, उसने ये भी कहा है। देखिए ये रणनीति का एक हिस्सा भी है पुलिस की, और आरोपी जो है वो लगातार खिड़की से मीडिया को देख भी रहा है,
कि अगर मीडिया लगातार गेट पर मौजूद रहेगी तो पुलिस का यह मानना था कि उनकी जो टॉकिंग है या उनकी जो बातचीत है, क्योंकि बाहर लगातार कमरे के बाहर जो है वो शोर हो रहा था, इस वजह से बातचीत नहीं हो पा रही थी। तो अब आरोपी ने कहा हो या पुलिस का खुद का ये एक स्टेप हो कि मीडिया को यहाँ से हटाया जाए ताकि कम से कम नेगोशिएशन जो है वो किया जा सके, क्योंकि आरोपी को बाहर निकाल कर सुरक्षित ले जाना, पीड़िता को, लड़की को और आरोपी को, ये भी एक ज़रूरी विषय है। मैं तस्वीरों पे आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो पांचवी मंजिल का जो ग्रिल है, यहाँ से लगातार उसको चीज़ें सप्लाई की जा रही हैं, पहुँचाई जा रही हैं, और जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे पुलिस भी लगातार लिंगर ऑन करना भी चाहती है, क्योंकि लड़की अब चूंकि सेफ है, लड़की सुरक्षित है, तो अब पुलिस ये समझ रही है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर अगर आरोपी की नहीं है तो ये स्थिति जो है ये वैसे जैसे जैसे समय बीतेगा उसका मनोबल टूटेगा, और जैसे जैसे मनोबल टूटेगा वैसे वैसे आरोपी जो है वो पुलिस के सामने सरेंडर करने की बात एक्सेप्ट करेगा। तो ये एक स्ट्रेटेजी ज़रूर पुलिस की है और इसी स्ट्रेटेजी पर अब पुलिस काम कर रही है, और इस बीच उसकी जो भी डिमांड्स है वो पूरी की जा रही है और मानसिक रूप से उसको तोड़ने की कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही है। अच्छा बकरत, एक अगर एक इस नज़रिए से देखें कि दोनों ही मॉडल हैं, लड़का भी मॉडलिंग करता है मुंबई में, लड़की भी, अगर हम इस नजरिए से इस बात को देखें मकरंद, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने आप को फेमस करने के लिए ये पब्लिसिटी स्टंट हो कि तुरंत हम फेमस हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही फिल्मी जगत में अपने आप को साबित करना चाहते हैं, तो फिर एक ये तरीका निकाल कर लेकर आए हों ये।